छोटे छोटे बच्चे, 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उन्हें इजाजत देते हैं पत्थर उठाने की? क्या उन बच्चों के भविष्य की को बनाने की गारंटी वह दे सकते हैं? हम कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर को हिंदुस्तान के बच्चों के नौजवानों के फ्यूचर के साथ जोड़कर देखते हैं। और मैं कश्मीर के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा करने की जिन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है, उन्हें आइडेंटिफाई करें। कुछ हमारे जो नौजवान किन्हीं कारणों से बहकावे में आकर यदि हाथ में पत्थर उठाते हैं, तो ऐसे नौजवानों को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं, कश्मीर के फ्यूचर को हम हिंदुस्तान के फ्यूचर से अलग रखकर कदापि नहीं सोच सकते। हम हिंदुस्तान का फ्यूचर यदि बनाना चाहते हैं तो कश्मीर का फ्यूचर नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान का भी फ्यूचर नहीं बन सकता है। हम सबके दिल की पीड़ा क्या है, इसका एहसास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा जी से यह कहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन भी हम लाना चाहते हैं यहां पर, और उसके लिए पूरी तैयारी यहां पर की जानी चाहिए ताकि ऑल पार्टी डेलीगेशन भी आकर यहां लोगों के साथ बातचीत कर सके। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 1 महीने पूरे हुए हैं, विद इन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी वेदना व्यक्त की है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है, और कश्मीर को लेकर वह बराबर मुझसे चर्चा करते रहते हैं।